तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। ये देखते हैं आप लैपटॉप की होम स्क्रीन ऑन है। तो सबसे पहले आपने जब स्क्रीनशॉट लेना है तो आपने इधर विंडोज़ पे होम पे क्लिक करना है और जिधर ये टाइप का ऑप्शन आ जाता है, मैं क्लोज करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें टाइप का, इधर आपने टाइप करना है एस और एन सिंपली। ये देखिए सामने आपके आ जाएगा स्निपिंग टूल, और जैसे ये आ गया आपने इंटर प्रेस कर देना है। अभी ये स्निपिंग टूल हमारे सामने आ गया और मैं ये इसकी लाइट ऑफ करता हूँ, अभी सही नज़र आएगा। देखें स्निपिंग टूल आ चुका है और इसमें आपने जब स्क्रीनशॉट लेना है तो न्यू पे क्लिक करना है। मैं अभी इसको माउस को उधर लेके जाता हूँ। ये देखिए न्यू पे क्लिक हो गया। अभी ये आपसे पूछेगा कि आप कितना स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीन के किस पार्ट का। तो अभी आपने अपने लेफ़्ट क्लिक के साथ जितना आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उसे क्लिक करके उतना एरिया सेलेक्ट करें। पूरी स्क्रीन लेनी है पूरी कर सकते हैं, हाफ लेनी है हाफ कर सकते हैं। अभी मैं ये आपको हाफ सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। ये हो गई। उसके बाद अगर आपने इस पर कुछ लिखना है, छोटी मोटी मॉडिफिकेशन करनी है, तो वो आप इधर से पेन से कर सकते हैं। कुछ हाइड करना है तो भी कर सकते हैं। और उसके बाद जब ये मेरा हो चुका है तो ये सेव का ऑप्शन है, ये देख सकते हैं। अभी मैं इस पर सेव पे क्लिक करूँगा। अब ये मुझसे पूछेगा किस जगह सेव करना है, तो मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। ये देखें ये सेव हो चुका है और ये मेरा स्क्रीनशॉट डेस्कटॉप पे आ गया। ये देखिए जी ये हमारा स्क्रीनशॉट है। ये क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी आ जाती है इसे, और ये आपका स्क्रीनशॉट हो चुका है। अगर चैनल पे नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें। मैं कोशिश करूँगा कि मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए रेगुलर बेसिस पे लाता रहूँ। बहुत शुक्रिया।